भाई चलो बात नहीं करो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा देख लो। इनिशियली जो क्वेश्चन है 5.3 का एकदम इजी है। तो हम लोग अगर बात करें थोड़ा सा रेशियो का, तो रेशियो क्या है भैया? रेशियो इज अ मेथड टू कंपेयर टू सिमिलर काइंड ऑफ डेटा। दो तो सिमिलर काइंड का डेटा को कंपेयर करने का एक तरीका है, उस तरीका का नाम है रेशियो। प्रपोर्शन क्या है भैया? अगर मान लीजिए कि कोई दो लोग है, उसके पास कुछ पैसा है, उन लोग दोनों का पैसा का जितना रेशियो है, दो और लोग हैं, उन लोग का पास जितना पैसा है, उन लोग दोनों का भी पैसा का रेशियो उतना ही है, तो इस तरह का डेटा को हम लोग बोलते हैं दे आर इन प्रपोर्शन, दे आर इन प्रपोर्शन। तो अगर हम बोल रहे एक आदमी है उसका एज 15 साल है, एक आदमी है उसका एज 25 साल है, तो दोनों भाई का एज का रेशियो, और दो आदमी है एक का एज है 9 साल, एक का एज है 15 साल, इन लोग दोनों का भी एज का रेशियो, तो भैया हम बोल सकते हैं ये दोनों आदमी और ये दोनों आदमी दोनों का जो रेशियो वो इक्वल है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं इन लोग चारों प्रपोर्शन, इन लोग चारों कंटिन्यूड नहीं, कंटिन्यूड अभी हम समझाएंगे, दे आर इन प्रपोर्शन। हम बोल रहे हैं ए को एक आदमी है उसका भैया पास 10 रुपया, बी को एक आदमी है उसका पास 50 रुपया, तो दोनों का पैसा का रेशियो हो गया 1:5। अब सी को एक आदमी है उसका पास 100 रुपया, डी को एक आदमी है उसका पास 500 रुपया, तो उन लोग दोनों का पैसा का रेशियो कितना है? तो हम बोल सकते हैं एबीसीडी आर इन प्रपोर्शन, एबीसीडी आर इन प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन कैसे लिखाता है भैया? लिखाता है ऐसे ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी, सी रेशियो डी, सही बात हाँ या ना? इसको रिप्लेस कैसे करेंगे? ए बाई बी, ए बाई बी गुड़ी ए बाई बी है ना, लिखते हैं इसको क्या चीज प्रपोर्शन, सॉरी पढ़ते हैं क्या चीज प्रपोर्शन, लिखेंगे कैसे डबल इस टू जैसा, रिप्लेस किससे करेंगे? इक्वल टू सी बाई डी, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रपोर्शन। तो हम लोग का 5.1 इज टोटली बेस्ड ऑन रेशियो, 5.2 इज टोटली बेस्ड ऑन प्रपोर्शन, एंड 5.3 में रेशियो के ऊपर भी क्वेश्चन है और प्रपोर्शन के ऊपर भी क्वेश्चन है, और भी थोड़ा थोड़ा चीज है, जब वो आएगा तो बताएंगे। तो चलो भैया बनाना क्वेश्चन चालू करते हैं, ध्यान से देखो। इनिशियली 5.3 का एकदम बेसिक क्वेश्चन है, क्या लिखा है? ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, क्या हम इसको लिख सकते हैं? ए बाई बी इज इक्वल टू सी, किसी कोई प्रॉब्लम? और मेरे को ये वाला चीज को प्रूफ करना है कि ये जितना है ये भी, कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखिए, इसको हम के लेट कर लिए, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं ये और ये तीनों अगर इक्वल है तो हम बोल सकते हैं ये भी के का बराबर है और ये भी एकदम इजी एक्सरसाइज लिख दिए। तो मेरा भाई ए इक्वल टू क्या होगा? बी के, और सी इक्वल टू डी के, लिख दिए ए इक्वल टू बी के और सी इक्वल टू, चलो भैया एल एच एस लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, मेरा भाई रेशियो है ना, रेशियो का मतलब डिवाइड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही बात? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो डिवाइड बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, चलो भैया ए का कितना वैल्यू है बी के, ए का वैल्यू उसका प्लस बी का कोई वैल्यू है नहीं, तो बी स्क्वायर जैसे था बाय ए का कितना वैल्यू है बी के, और डी का सॉरी इसका वैल्यू बी का कोई वैल्यू नहीं है बी स्क्वायर, क्या इसको हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर के स्क्वायर हो गई, एंड दिस इज बाय में बी स्क्वायर माइनस ऊपर से दोनों से कॉमन बी स्क्वायर आएगा, तो बचेगा के स्क्वायर प्लस वन, एंड नीचे से अगर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा का के स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एलएचएस, सही बात? अब हम आरएचएस लिख रहे हैं, आरएचएस ए सी प्लस बी डी, सही है? डिवाइड ए सी माइनस, चल भैया वैल्यू पुट कर, ए का वैल्यू कितना है बी के, सी का वैल्यू डी के, प्लस बी चाहे डी दोनों में से किसी का वैल्यू मेरे पास नहीं, मेरा पास ए का वैल्यू बी के है सी का वैल्यू डी के, लेकिन बी और डी का नहीं, तो ये जैसे था बाय नीचे ए का मतलब सी का मतलब
माइनस बी और डी का कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर में बी डी कॉमन है, तो इधर के और के मिलके प्लस में, नीचे में बी डी, तो इधर के और के मिलके बी डी ऊपर नीचे कट जाएगा। लो मेरा भाई, एल एच एस का जितना वैल्यू है आर एच एस का भी लिख सकते हैं, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। आया पूरा स्टार्टिंग का 7-8 क्वेश्चन यही है। एल एच एस में भी वैल्यू पुट करेंगे जो आएगा, आर एच एस में भी वैल्यू पुट करेंगे जो आएगा, बस एल एच एस और आर एच एस दोनों को इक्वल करना है, एल एच एस और आर एच एस दोनों को इक्वल करना है। क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए का वैल्यू अपन लोग निकाल चुके हैं बी के, एक बार में लिखते बी स्क्वायर के स्क्वायर। अरे तुम ए का वैल्यू पहले बी के लिखेगा फिर माथा में होल स्क्वायर डालेगा और फिर उसको बी स्क्वायर के स्क्वायर लिखेगा, तो एक ही बार में लिख दें क्या हो गया बी के, तो बी के का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का वैल्यू बट बी का मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, बी का मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए का वैल्यू लेकिन बी का कोई वैल्यू नहीं है, प्लस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इन दोनों से भी बी स्क्वायर, इससे भी बी स्क्वायर कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया कैंसिल, क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस के प्लस वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ अब आर एच एस। अब तुम ध्यान से अगर देखेगा यहाँ क्या लिखा है सी स्क्वायर, सही है, फिर सी डी, फिर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस बाय सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस, लो सी का वैल्यू क्या था पता है डी के था, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस सी कितना था साथ में प्लस में बी को डी का वैल्यू नहीं है डी स्क्वायर के स्क्वायर डी के इंटू डी, क्या ऊपर से तीनों जगह से डी स्क्वायर कॉमन है के स्क्वायर प्लस के प्लस वन, के स्क्वायर माइनस के प्लस, तो क्या बचा के स्क्वायर प्लस के प्लस वन। लाइन से यही क्वेश्चन है, लाइन से एल एच एस भी जितना आएगा एल एच एस भी जितना आएगा, एकदम लाइन से वही क्वेश्चन है। लो भाई क्या लिखा है देख लो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट माथा में, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट माथा में, सही है। ले मेरा भाई ए का वैल्यू बी के, ए का वैल्यू बी के है तो ए स्क्वायर है ना बी स्क्वायर के स्क्वायर, और सी का वैल्यू पक्का पूरा का माथा में, अब बी और डी का कुछ भी वैल्यू नहीं है तो ये जैसे था वैसे ही है। अब देख ऊपर से क्या के स्क्वायर कॉमन है तो अंदर में बचेगा बी स्क्वायर प्लस पूरा का माथा पे, नीचे में बी स्क्वायर प्लस पूरा का माथा पे। अब हम एक चीज लिखने जा रहे हैं, मेरा भाई देख इधर, इसका माथा पे रूट है, सही लिख रहे कि गलत मेरे को बोलेगा, के स्क्वायर के लिए के हो जाएगा, बी स्क्वायर के लिए बी, और डी स्क्वायर के लिए रूट है ना, रूट है स्क्वायर तो कट जाएगा, यहां से चेक करके देख लो, बी स्क्वायर के लिए और डी स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट तो कट जाएगा, सही लिखा कि गलत लिखा है, सही है गलत है, इस सही लिखा हुआ ये लाइन से ये लाइन, इस सही लाइन है कि गलत लाइन है, गलत है रे भाई, बोलना बोलने में डर का रहा है, सही है कि गलत है, प्लस माइनस होने से ये वाला चीज होता है इनटू में ना होता है रे भाई, ये वाला अगर ऐसे रहेगा तब ना बी स्क्वायर का रूट और उसका स्क्वायर बी बचेगा, डी स्क्वायर का रूट के स्क्वायर का रूट, अगर ये चीज ऐसे लिखा रहेगा तो हम इसको क्या बी प्लस डी प्लस के लिख देंगे, नीचे वाला सही है कि गलत है, नीचे वाला सही है। ये कब होता है जब डेटा इनटू में होगा,
तो जितना जन है सबका रूट लिख देंगे, जितना जन है भैया ये प्लस में नहीं होता है, जब तुम इसका रूट, ये गलत लिखा हुआ, सरासर गलत लिखा हुआ है, जब इसका रूट करने जाएगा तो के स्क्वायर का तो रूट होगा तो के बन जाएगा, लेकिन ये दोनों इनटू में नहीं है, किसमें है, इसका रूट ये भगा ही नहीं पाएगा तो इसका माथा में रूट रह जाएगा, आया। और ये चीज अगर ऐसे होता के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर तो स्क्वायर रूट कटता, के बी डी बचता, के बी डी ये होगा नहीं। अब यही वाला चीज देख, अगर यहाँ पे भी प्लस होता तो तीनों में से किसी का रूट नहीं जाता, तीनों में से किसी का प्लस में ये चीज नहीं होता है, ये जब इंटू या फिर डिवाइड में डेटा होगा तो होगा, आया कि नहीं आया, आया। तो ऊपर वाला देखिए सही है, ये वाला गलत है, कितना बार बता चुके हैं, सही है ये, नीचे में फिर से प्लस में लिखा है ना, अगर ये इंटू में होता तो बी स्क्वायर का रूट और डी स्क्वायर का रूट, लेकिन ये नहीं होगा, ये जैसे है अभी समझा। अब तू गलत भी करता तो तेरे को देख के लगता पहले भी तो के ही आ रहा था, लेकिन वो गलत है। अब आरएचएस लिखे, आरएचएस का दिया भैया पी ए क्यू सी पी बी क्यू डी, ले मेरा भाई पी का वैल्यू पी लिखे, ए का वैल्यू कहा था वेरी गुड डी के, क्यू का वैल्यू की लिखे, सी का वैल्यू बाय में P, B का कुछ भी वैल्यू नहीं है, Q, D का भी कुछ भी वैल्यू नहीं, ऊपर से का कॉमन है K, तो बचेगा PB प्लस और नीचे में भी PB प्लस QD, ये दोनों कैंसिल, सो यू गॉट ओनली K, LHS, आया कि नहीं समझना, यही क्वेश्चन एकदम लाइन लगा हुआ है, स्टार्ट से लेके एंड तक, पूरा नहीं लेकिन हम लोग का लगभग, अभी हम लोग बनाएंगे लगभग, नहीं इतना पूरा नहीं है एक्सरसाइज में, लगभग 10-12 क्वेश्चन जो इनिशियल है, 10-12 जो क्वेश्चन इनिशियल है शायद यहाँ तक इसी टाइप का है, उसके बाद से हम लोग का कुछ प्रॉपर्टीज चालू होगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। देखेगा यहाँ पे एक नाम कुछ लिखा हुआ था जो हम लोग बताए रहे थे, उसको हम लोग अभी करेंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कुछ इस तरह का नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो जब वो बनाएंगे तब फिर क्वेश्चन तुमको आगे का तरफ मिलेगा। बोल आया मेरा बात समझ में, चलो लिखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1.3 का 1 को बनाने, थोड़ा बहुत जो जो बच रहा है उसको लिख लेगा अपने से, बहुत कुछ हाथी घोड़ा नहीं लिखा हुआ है कि देख के लिखना पड़ेगा। क्या लिखा है देख लो, x is to a y is to b equal to z is to, पता है ये लाइन लोग अगर नहीं देता, इसको देने का बजाय अगर वो बोल देता x a y b z and c are in proportion, are in proportion, वो सेम बात ही बोल दे रहा है, नहीं समझा कि वो लैंग्वेज में ये बात लिख के दे दे रहा है, सिंबॉलिकली ये लिख के नहीं दे रहा है। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, दो जन का जितना रेशियो है बाद वाले दो जन का भी, उसके बाद वाला दो जन का भी, इनडायरेक्टली अगर हमको ये लिख के दे देता तो ये बात हम खुद से नहीं लिख देते हैं। x is to, फिर प्रपोर्शन का मतलब डबल डॉट डबल is to, y is to प्रपोर्शन, z is to, एंड दिस ऑल प्रपोर्शन का साइन विल बी रिप्लेस बाय, जो चीज था वही आ जाता। तो आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, मेरे को ये चीज लिख के देने के बजाय उन लोग ये लिख के देगा, तो हम ये वाला लाइन को खुद से अपने से फॉर्म कर लेंगे। बोल समझा। अब यहाँ पे दो का जगह बस तीन है, तो x by a, y by b, z by c, तीनों को लेट कर लिए के, सही बात। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये भी k का बराबर है, ये भी k के बराबर है और ये भी k के बराबर है। तो क्या हो जाएगा भाई, x इक्वल टू ए के, y इक्वल टू बी के, z इज इक्वल टू सी। चलो भैया जहां दिखेगा x वहां लिखेंगे ए के, जहां दिखेगा y बी के, z दिखेगा तो सही है। चलो लिखते हैं, क्या लिखा, x क्यूब बाई ए स्क्वायर, एल एच एस, x क्यूब बाई ए स्क्वायर, y क्यूब बाई बी स्क्वायर,
एंड जेड क्यूब बाई ले भैया x का वैल्यू कितना है A, उसका माथा में क्यूब, तो ये दोनों का माथा में क्यूब चल जाएगा ए क्यूब के क्यूब बाई बी क्यूब के क्यूब बाई सी क्यूब बाई देखो ये दोनों से ये कटा ए इधर देगा ये दोनों कटा तो बी देगा ये दोनों कटा तो तीनों से के क्यूब कॉमन है ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान से देखेगा ये मेरा किसका वैल्यू है LHS का। RHS हम लिख नहीं रहे तुम खुद से ही लिखना। RHS क्या लिखा है x प्लस y प्लस x के लिए तुम a के लिखेगा y के लिए तुम b के लिखेगा और z के लिए तुम तो तीनों में k रहेगा ना k कॉमन लेगा लेकिन माथा में क्यूब होने का वजह से k कॉमन आएगा कि k क्यूब कॉमन आएगा नहीं समझ में आया। अगर यहाँ क्यूब नहीं होता तब ना ये ए के बी के सी के कॉमन लेते तो के बचता लेकिन यहाँ पे तो माथा में तो लेगा तो क्यूब लेगा तो क्यूब के कॉमन में तो बन जाएगा का ओके क्यूब आया कि ऊपर से गया और ए प्लस बी प्लस सी बन चुका उसका माथा में क्यूब। यहाँ पे देख जैसे इसको वैल्यू पुट करेगा करके देखना ऊपर और नीचे में ऊपर में दिखेगा तुमको ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और नीचे में दिखेगा a प्लस बी प्लस सी का होल तो ना तुमको a प्लस बी प्लस सी दिखेगा कितना दिखेगा तो जो ये लिखा है वही चीज एग्जैक्ट RHS इसका खुद से लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया एक्स क्यूब सेम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स का वैल्यू एके है लेकिन ये एके नहीं है ए क्यूब के क्यूब होगा ए क्यूब समझ में आया ये होगा बी क्यूब ऊपर से और नीचे से तीनों में के कॉमन हो जाएगा गलत बोले हम के क्यूब कॉमन होगा तो ऊपर बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और नीचे में भी बचेगा कट जाएगा मतलब LHS का वैल्यू आएगा के क्यूब इसमें पुट करेगा इसका भी अभी बनाएगा इसको ये वाला को हम लिख दे रहे हैं क्या लिखा है देख लो इसको हम लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर भैया ए का मेरा पास कोई वैल्यू नहीं मेरा पास एक्स का वाई का और जेड का वैल्यू तो ई वाला भैया जैसे था वैसे ही रहेगा इसका वैल्यू हम लोग पुट करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर सही है तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन तीनों से हम के स्क्वायर कॉमन लिए तो डब्बा के अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सही है के स्क्वायर सामने लिखें अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इधर पे भी बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसको सामने ले लिए और ये वाला दो बार सेम चीज है होल स्क्वायर आया ना इसमें तुम लिख के देखना इसमें भी वही वैल्यू आएगा देख जब दिमाग लगा के देखेगा जब यहाँ पे a लिखा है वो वैसे ही रहेगा x का जगह क्या लिखेगा a, y का जगह bk z का जगह तीनों में k रहेगा कॉमन लेगा अरे भाई ये नहीं रहता तब ना कॉमन k आता उसका माथा में तो स्क्वायर है तो k थोड़ी कॉमन आएगा निकलेगा k और होल स्क्वायर के लोग k स्क्वायर बन जाएगा तो देख इसमें भी k स्क्वायर है और उसमें भी और अंदर में तुम्हारा पास बचेगा a प्लस बी प्लस माथा में उसका दिख जा रहा है RHS से आएगा जल्दी से लिख RHS के लिए जगह छोड़ देना अभी नहीं लिखना थोड़ा देर बाद लिखना थोड़ा सा और सम्स कर देंगे उसके बाद यहाँ पे क्या दिया भाई सेम वैल्यू दिया है a is to b c is to d and e is to f तो क्या हम यहां से अगेन फिर से सेम a by b c by d e by लिखे इक्वल टू k अपना मन से ले तो e का वैल्यू क्या हो जाएगा f के c का वैल्यू d के एंड a का वैल्यू b के है ना अब मेरे को बोल रहा है कि इसका वैल्यू कितना है तो ये क्या हो जाएगा देख लो 5a 7c 5b 7d 13f
जो वैल्यू पास अवेलेबल है उसको हम लिख दे रहे हैं फाइव। ए का वैल्यू कितना है बी के, फाइव बी के माइनस सेवन डी के माइनस थर्टीन होल डिवाइडेड बाय ना तो बी ना तो डी ना तो एफ, तीनों में से किसी का वैल्यू मेरे पास है नहीं, तो ये जैसे है फाइव बी सेवन डी माइनस थर्टीन सही है। तो ऊपर से भी के कॉमन ले लिए, क्वेश्चन क्या था उसको हम समझा रहे हैं, हम खाली पहले वैल्यू निकाल दे रहे हैं बाय फाइव बी सेवन डी थर्टीन है, ऊपर नीचे कैंसिल, तो मेरे पास बचा क्या। अब देख क्वेश्चन हम समझा रहे, क्वेश्चन में करने का बोला था, मेरे को बोल रहा है जो वैल्यू दिया हुआ है ए बाई बी क्या ये एक रेशियो है, सी बाई डी ई बाई एफ ये तीनों रेशियो है, ये तीनों का वैल्यू को तुम कैलकुलेट किया है A. तो हम बोल सकते इसका भी और इसका भी, इन तीनों का वैल्यू के है, इन तीनों का वैल्यू है। सेम वैल्यू अगर तीन चार लोग के लिए होता है तो उसका लिए एक वर्ड यूज करते ईच, है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि भैया चार जन यहाँ पे है और चारों के पास दस दस रुपया, ये बोलने से पहले हमने बोल सकते हैं ईच वन हैज टेन रुपीज, एक बार में ही सबके पास हो गया। तो इस रेशियो का जितना वैल्यू है इसका भी उतना ही और इसका भी उतना ही और ये k के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं k इज द वैल्यू विच इज इक्वल टू द ईच रेशियो, विच इज इक्वल टू द ईच रेशियो। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट ये वाला जो रिजल्ट है ना दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ईच रेशियो, तो इसका भी वैल्यू कितना आया है k, और ये तीनों का वैल्यू भी हम कितना लेट किए हैं k। तो हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, बात को समझो, तीनों रेशियो का अंग्रेजी में ईच रेशियो का जो वैल्यू है इसका भी वैल्यू वही है, वही मेरे को प्रूफ। तो अगर ये तीनों का हम के लेट किए तो ये भी कितना आ गया, तो मेरा बात प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। मेरा बात समझ में आया, इस बार एलएचएस और आरएचएस वाला क्वेश्चन नहीं है, दे आर सेइंग कि तीनों रेशियो को आप जो लेट कर रहे हैं वट एवर इज द वैल्यू ऑफ द ईच रेशियो, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ द ईच रेशियो This is also equal to each ratio. मतलब अगर हम इसको m लेट करते तो हमको ये वाला चीज को इम्प्रूव करके दिखाना पड़ता। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? This is not a question in which LHS और RHS को हम इक्वल करेंगे, जो अभी हम लोग लगातार छह क्वेश्चन में किए हैं। ईच रेशियो इसमें हमको LHS और RHS को इक्वेट, अरे दोनों तरफ तो कुछ दिया ही नहीं तो इक्वेट कैसे करेगा, बोल समझा मेरे को क्या बोला, क्लियर हुआ कि ईच रेशियो का जितना रिजल्ट है इसका भी मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इसको के लाके दिखा दे और ईच रेशियो को हम के लेट, तो मेरा बात प्रूफ हो गया ना। अभी क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो क्या बोला एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले हम वैल्यू ला दिए, अब हम तुमको प्रूफ करके पढ़ के दिखा रहे हैं। ए इज टू बी सी इज टू डी इज टू एफ, लेट अस प्रूफ दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू ईच रेशियो इज इक्वल टू दिस। तो ईच रेशियो को हम क्या लेट किए, के, and this is also equal to k. Each ratio, so this is also equal to k. बोलो पूरा क्लियर हुआ कि पूरा आंसर गया? तो प्रूफ यही करना था, बट क्वेश्चन अगर समझेगा नहीं ना तो तेरे को ना खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। बोल क्लियर हुआ? अब ये वाला सेम क्वेश्चन जो अभी तक बना रहा था वही है, कुछ अलग नहीं है, पुटिंग गेटिंग वाला है। क्या दिया भैया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू हम निकाले हैं, ए का वैल्यू हम निकाले हैं बी के, सी का डी के, ई का एफ के। तो भैया ए का वैल्यू बी के तो बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी का वैल्यू डी के तो डी स्क्वायर के स्क्वायर, ई का वैल्यू एफ के तो एफ स्क्वायर, सही बात। और इसके साथ बी डी एफ का मेरा पास कोई वैल्यू है नहीं तो ये जैसे था, ये तीनों से क्या कॉमन होगा, तो यहाँ से क्या बचेगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस, और ये डब्बा और ये डब्बा दोनों सेम है तो इस पे क्या चल जाएगा होल सही है। अब हम लिखे आर एच एस, ए बी सी डी ई एफ पूरा का होल स्क्वायर, फिर से ए का जगह क्या लिखेंगे बी के, बी अब बी का कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास तो बी एज इट इज जैसे वैसे रहेगा, सी का हो जाएगा डी के, डी का कोई वैल्यू नहीं है, ई का एफ के पूरा
ये तीनों से क्या कॉमन है? के। के कॉमन लेंगे, बाहर आएगा के स्क्वायर। समझ में आया हो रहा है? क्योंकि उसका माथा में होल स्क्वायर, माथा में के लेगा ना। देख इधर लेगा अगर कॉमन तो के रह जाएगा, लेकिन इधर है ना तो के नहीं आएगा, है ना, के स्क्वायर बन जाएगा। और अंदर में क्या बचेगा? बी स्क्वायर, डी स्क्वायर, पक्का। और वो वाला स्क्वायर इस पे भी तो जाएगा। बोलो आया कि ऊपर से गया? पक्का। तो हम अभी तक क्या बोले कि हम लोग का कितना क्वेश्चन हो गया? टोटल आठ, आठों क्वेश्चन सेम टाइप का है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा होगा चेंज, पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन में चेंज आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर, अभी तक देख के समझ में आया क्या चेंजेस आया क्वेश्चन में? ए इज टू बी, बी इज टू सी, चेंज समझ में आया? अभी तक आ रहा था ए इज टू बी, फिर सी और डी आ जा रहा था, एक्स और ए आ रहा था, फिर वाई और बी आ जा रहा था, कोई भी वैल्यू कंटिन्यू नहीं हो रहा था। यहाँ पे जो यहाँ पे एंड मारा वही वहां से, इसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का एक बार और कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। देख अगर हम बोल रहे हैं कोई एक जन के पास 10 रुपया है, कोई एक जन के पास 50 रुपया है, इन दोनों आदमी का जो पैसा का रेशियो 1:5 है, सही है। कोई एक और आदमी है उसके पास 100 रुपया है, कोई एक और आदमी है उसके पास 500 रुपया है, इन दोनों का भी पैसा का रेशियो कितना भैया? तो ये दोनों का रेशियो 1:5, इन दोनों का रेशियो हम बोल सकते हैं चारों का चारों आदमी प्रोपोर्शन है, ये चारों का चारों आदमी, क्योंकि बीच वाला ही दोनों का बीच में आपस में कोई लेन देन नहीं है। और अगर है भी तो जो रिलेशन इन लोग दोनों बियर कर रहा है, जो रिलेशन इन लोग दोनों बियर कर रहा है, तो उसके लिए तो प्रोपोर्शन हो जा रहा है। ये लोग कौन सा रिलेशन बियर कर रहा है? 1:5। 1:5 का मतलब होता है जो भी ये वैल्यू है ये उसका 5 times है, वो इसका 5 times। क्या वही रिलेशन ये दोनों भी बियर कर रहा है? नहीं। तो दिस इज प्रोपोर्शन, दिस इज नाउ। देख तो हम अगर इसको ए बोले होते, इसको बी बोले होते, इसको सी बोले होते, इसको डी बोले होते, तो इसको हम लोग लिखते ए बाय बी, लैंग्वेज में लिखते हैं ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, सही है, वो लैंग्वेज में होता। सिंबॉलिकली लिखते हैं ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू, सो लैंग्वेज में ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन स्पेलिंग में लिखते हैं, उसी को लैंग्वेज बोल रहे हैं। और ये जो लिख रहे हैं दिस इज व्हाट, दिस इज सिंबॉलिकली लिख रहे हैं, है ना। अब देख अगर एक आदमी का पास 10 रुपया है, दूसरे के पास 50 है, फिर तीसरे के पास 250 है, उसके बाद वाले के पास, तो इन दोनों के बीच में 1:5 है, ई दोनों का बीच में भी 1:5 है, मतलब बीच में डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा है वो, जो रिलेशन है वो कंटिन्यू फिर से फर्दर आगे का तरफ बढ़ रहा है। ये दोनों जो है 1:5, ये दोनों जो है, तो दिस इज 1:5, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी, इसको हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो व्हाट इज प्रोपोर्शन? पहला और दूसरा का रिलेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू तीसरा और चौथा का रिलेशन, फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो रिलेशन है थर्ड और फोर्थ में भी, लेकिन सेकंड और थर्ड में वो रिलेशन ब्रेक कर जा रहा है, तो उसको हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड का जो भी रेशियो है, जो भी रिलेशन है, सेकंड और थर्ड का भी वही है, फिर थर्ड और फोर्थ का भी, फोर्थ और फिफ्थ का भी, ऐसे करके अगर चल रहा है तो फिर इसको हम लोग प्रोपोर्शन नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड। क्या ये वाला चीज में अगर हम इसको ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, सी बोलते हैं, डी बोलते हैं, तो इस बार हम बोलेंगे ए बी सी डी आर इज वेरी गुड कंटिन्यूड। देख अगर ये डेटा कंटिन्यू होगा, और ये वाला क्या है, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, तो दोनों को देख लिखने का तरीका क्या है, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड। इसको लिखने का जो तरीका है ना मेरा भाई, इसको लिखने का तरीका ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, खेला खत्म, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। लेकिन जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आएगा ना, तो ये होगा ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी। देख ए का पास कितना है 10, बी का पास है 50, तो 1:5, फिर बी के पास है 50, सी के पास है 250, फिर 1:5, और फिर सी के पास है 250, डी के पास है 1250, फिर 1:5। मतलब हर अल्टरनेट टर्म में इधर का जैसा ई दोनों और ई दोनों का रिलेशन नहीं चल रहा है,
हर एक टर्म का आपस में जो रिलेशन चल रहा है वो सेम टू सेम टू सेम है। तो ये वाला जो चीज होगा ना, इट इज नॉट ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, इट इज ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी। मतलब अगर हम बोलते हैं ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, ए बी सी डी आर इन, वहां से दो टर्म बनेगा ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। लेकिन अगर हम बोलेंगे ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, वहां से तीन को रेशियो बन जाएगा ए बाई बी बी बाई सी सी बाई डी। सो दिस इज कंटिन्यूड। आया प्रभासन ने पिछला दिन भी कंटिन्यूड प्रपोर्शन का बात बताए थे, अब दिमाग लगा के वो चीज देखेगा, क्या ये वाला चीज कंटिन्यूड प्रपोर्शन है? नहीं। क्या ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन है? सही है। ये प्रपोर्शन भी तो है, ये दोनों मिलके कितना है? ये दोनों भी 1:5, 1:5, 1:5। मतलब जो कंटिन्यूड प्रपोर्शन होगा वो प्रपोर्शन है, जो कंटिन्यूड प्रपोर्शन होगा वो प्रपोर्शन होगा, लेकिन जो प्रपोर्शन होगा वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन। मतलब अगर हमको कंटिन्यूड प्रपोर्शन बनना है तो भैया हम प्रपोर्शन होंगे ही होंगे, लेकिन हम अगर प्रपोर्शनल होंगे तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन होंगे ये जरूरी नहीं है। देख, दिस इज प्रपोर्शन बट नॉट इन, दिस इज कंटिन्यूड प्रपोर्शन एज वेल एज। क्लियर हुआ बात? हाँ। अब देखो, तो अगर हम बोलेंगे ए बी सी आर इन प्रपोर्शन, प्रपोर्शन खाली बोले ए बी सी, ये झूठ बात है, इससे रेशियो रेडी नहीं होगा क्योंकि इसके लिए कम से कम 4 टर्म लगेगा। लेकिन पता है, देखना ए बाई बी लिख देगा, प्रपोर्शन बोले ना तो सी बाई वॉट कुछ तो है ही नहीं है यहाँ। लेकिन अगर हम बोल देंगे ए बी सी कंटिन्यूड, कंटिन्यूड ये पता है कहा जाएगा ए बाई बी। क्लियर हुआ कि ऊपर से किया? इसीलिए अगर तुमको याद होगा जब हम लोग 5.2 पढ़ रहे थे, आज जब भी तीन को टर्म आ रहा था, देख मिडिल वाला को दो बार लिख देते, मिडिल वाले को दो बार, मिडिल वाले को दो बार। क्यों पता है? क्योंकि हम कंसीडर कर ले रहे थे कि वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन है। क्या है? क्योंकि अगर खाली प्रपोर्शन होगा तो तीन टर्म हो ही नहीं सकता, उसमें क्या टर्म लगेगा? 4 टर्म लगेगा, 4 है नहीं। तो तुम क्या कर रहा था? मिडिल वाले को दो बार लिख रहा था ना, क्योंकि वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन था। अब पहला कौन बीच में आ रहा था, कौन चीज को दो बार लिखने बोल रहे थे? मेरा मर्जी नहीं था। देख बीच वाला ही दो बार आ रहा है। कौन दो बार आ रहा है? आ रहा था ना, ऐसे ही ना लिखता था 5x10। तो कैसे लिखते थे? 5x10। और हम यही तुमको बोले थे कि हम उस समय तुमको बताएंगे जब कंटिन्यूड प्रपोर्शन पढ़ाएंगे कि क्यों मिडिल वाला को ही हम लोग दो बार लिखते हैं, कि बीच में जो डेटा है ये इन दोनों के नीचे जैसा रिलेशन देगा, फिर ये दोनों भी, तो फिर ये दोनों कौन मारेगा दो बार? जो मिडिल वाला टर्म है। बोल, पूरा क्लियर हो गया? तो इफ दे से ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, दे मीन टू से ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। इफ दे से ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, दे मीन टू से ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी। तो 4 टर्म ए बी सी डी या प्रपोर्शन बोलेगा दो रेशियो बनेगा, 4 टर्म ए बी सी डी या कंटिन्यूड प्रपोर्शन बोलेगा तो तीन रेशियो बनेगा। अब बनाने में थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा उसको बता रहे, पहले ही कैसा रिलेशन है। तो ये बात को लोग ऐसे ना देखे, अगर यही चीज को लोग ऐसे लिख के दे देता है ए बी सी आर इन प्रपोर्शन नहीं कंटिन्यूड, तो हम ये वाला खुद से लिख लेते हैं। तो आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, वो लोग ये चीज लिख के नहीं देगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस उन लोग उसको लैंग्वेज में लिख देगा ए बी सी आर इन। बोल, पूरा क्लियर हुआ? अब इसको बनाने का तरीका क्या है? भैया लिखे ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, इसको हम लेट किए के, सही है? के लेट करने के साथ अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, बी बाई सी का वैल्यू कितना होगा? तो बी इक्वल टू क्या होगा? सी से ए बाई बी इक्वल टू कितना होगा? बी ए इक्वल टू। अब तुम क्वेश्चन बनाते समय तुमको साफ दिख रहा है कि यू गॉट द वैल्यू ऑफ बी एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ ए, इधर पे ए का में बी आ जा रहा है ना, मतलब बी का अपने आप तो कुछ वैल्यू है ही है, एट द सेम टाइम बी का वैल्यू ए को जब हम लोग लिख रहे हैं उसमें भी बी फिर से, तो वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना। कौन सा वैल्यू? याद रखेगा जब भी वैल्यू रिपीट होगा वहां पे वैल्यू रिप्लेस भी होगा, वैल्यू अगर होगा रिपीट तो वहां पे वो रिप्लेस भी होगा। मतलब क्या है कि पहला पार्ट से जो आप
बी का वैल्यू निकाले हो उसको यहाँ पे लाके पुट कर दो, तो बी कितना हो जाए सी के और पहले से के, तो ए इज इक्वल टू सी के स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू। ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा। प्रोपोर्शन कभी देखने वाला चीज हुआ है? प्रोपोर्शन वैल्यू रिपीट नहीं होता था। ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी जब लिखता था तो ए का वैल्यू आता था, देखिए ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी जब लिखते थे तो सी इक्वल टू होता था डी के और ए इक्वल टू होता था, तो वैल्यू जब रिपीट ही नहीं होता था तो रिप्लेस होगा। रिपीट कब होगा? रिप्लेस भी कब होगा? जब। और अगर तुम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पीछे का जैसा ए जहां दिखा वहां लिखेंगे और बी जहां दिखा वहां लिख देंगे बी के, एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, प्रूफ होगा ही नहीं, ना तो एलएचएस मैच करेगा ना ही तो। जब भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा याद रखेगा वैल्यू अगर होगा रिपीट तो फिर वो होगा। तो अब हम लोग ए के लिए लिख रहे होंगे सी के स्क्वायर और बी के लिए लिख रहे होंगे। तो चलो भैया लिखते हैं क्वेश्चन एलएचएस। ए प्लस बी बाई बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सही है? ए का वैल्यू सी के स्क्वायर, बी का वैल्यू बी का वैल्यू बट यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ सी। सी का कोई वैल्यू है तो वो जैसे है पूरा का माथा पे होल स्क्वायर, सही है? ये दोनों से क्या कॉमन है? सी के, सही बात। तो इधर से एगो के बचेगा, इधर से ये दोनों से क्या कॉमन है? सी, तो बचेगा और पूरा का माथा पे, पूरा का माथा पे। तो बोलेगा भैया अभी तो आप बोल रहे थे कि जब भी स्क्वायर रहेगा सी कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर बन जाएगा, सी कॉमन लेंगे तो। अभी तो ब्रैकेट हम अभी स्क्वायर को यूज किए हैं, स्क्वायर को यूज करेंगे तब ना सी स्क्वायर होगा, बात समझ आया? अभी तो हम सिर्फ कॉमन लिए और ये जैसे ऊपर में था तो सी से सी कटा, के प्लस वन से तो अंदर में क्या बचेगा? के, माथा में स्क्वायर है तो एलएचएस का वैल्यू हो गया ए स्क्वायर, सही है? अब आरएचएस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सही है? ले मेरा भाई, ए का वैल्यू सी के स्क्वायर, उसका भी बी का वैल्यू उसका बी का वैल्यू होल स्क्वायर एंड सी का कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर, दिस इज बाई में सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस, सही बात। तो भैया ऊपर से का कॉमन है? सी स्क्वायर के स्क्वायर, सबका सी स्क्वायर, इसमें भी है इसमें भी कॉमन ले लिया, इसमें के चार बार इसमें दो बार, के बार दो बार कॉमन ले लिया, तो अंदर भी के बार बाय, सही है? के स्क्वायर प्लस कटा सी स्क्वायर से सी स्क्वायर भी आया कि नहीं समझ में आया? तो इसमें सीखने का घड़ी क्या था? बस जब भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा तो वैल्यू रिपीटेड आएगा, और वैल्यू अगर रिपीटेड आएगा तो उस वैल्यू का रिप्लेसमेंट होगा। अगर तुम लिखेगा तो जाके घर पे चेक कर लेना, करने का वैसे जरूरत नहीं, हम बोल दिए तो, कि अगर हम ए का वैल्यू बी के यूज करें और सी बी का वैल्यू, एक भी क्वेश्चन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का प्रूफ नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। बोल क्लियर हुआ? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्लियर है? तो अगर तू सोच के देख, हमको बोलेगा पांच गो टर्म कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, एगो दो गो तीन गो चार गो पांच गो, सही है? अब बोल रहा फिफ्थ टर्म का वैल्यू कितना होगा अगर मेरा पहला वाला एक है और दूसरा वाला पांच है, पहला वाला और दूसरा वाला पांच, तो पहला से दूसरा का क्या रिलेशन है? वन इज टू फाइव, वन इज टू फाइव का मतलब होता है फाइव टाइम्स, वन इज टू फाइव का मतलब डेटा कैसा है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कैसा है? तो जब इसके आगे आप जाइएगा ना वो फिर फाइव टाइम्स होगा, वो फिर से अब प्रपोर्शन होने से ही दोनों का जो रिलेशन होगा, ये दोनों का प्रपोर्शन नहीं तो पता है थर्ड वाला 25 हो जाएगा, सही बात। इसका बाद वाला जो होगा 75 नहीं होगा 125, सही है? इसका बाद वाला जो होगा, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है ना, पिछले दिन हम लोग का एक्सरसाइज में भी था 5.2 में, इफ इफ द डेटाज आर इन कंटिन्यूड, इफ द डेटाज आर इन, तो पहला से जो दूसरा का रिलेशन है, बस दो टर्म दे दे अगर, उसके बाद हमसे जो भी मांगेगा बता देंगे, जो भी मांगेगा, बोल क्लियर है?
सेकंड क्वेश्चन क्या है भैया, सेम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का है। क्या दिया है भाई वैल्यू? LHS, ध्यान से देखेगा। ए स्क्वायर, ए का वैल्यू था सी के स्क्वायर का, बी का वैल्यू था सी के और सी का कोई वैल्यू बाय वन बाय ए का वैल्यू उसका भी प्लस बी का वैल्यू होल स्क्वायर और सी का कोई वैल्यू नहीं, सी का कुछ भी वैल्यू नहीं है तो सी जैसे है। लो भाई तो देख लो सी स्क्वायर के फोर, सही बात, सी स्क्वायर इंटू नीचे में क्या हो जाएगा वैल्यू वन बाय सी क्यूब के सिक्स, वन बाय सी क्यूब एंड दिस इज वन बाय सही लिखे सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, सही बात, कॉमन नहीं होगा, इंटू कर रहा है ना भाई, कॉमन यहां ना होगा के फोर के स्क्वायर, सही बात सही बात। नीचे में तीनों से, नीचे में तीनों से क्या सी क्यूब कॉमन होगा, ले लिए कॉमन तो अंदर में क्या बचेगा वन बाई प्लस वन बाई एंड दिस इज वन बाई सॉरी वन वन बाई, तो बचा क्या भैया सी क्यूब के सिक्स एंड दिस इज, क्लियर है। अब तू बिना देखे समझ में आ रहा है कि ये वाला चीज कतई इससे मैच अभी नहीं करने वाला क्योंकि उसमें सारा डेटा न्यूमरेटर में है ना, और यहाँ पे तुमको जो डेटा आ रहा है वो मतलब पता है मैच करने के लिए हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, मैच करने के लिए समझ में आया कि नहीं आया कि ये वैल्यू देख ना सब ऊपर ऊपर है और ये वाला वैल्यू फ्रैक्शन में लिखा है तो कहां से मैच करेगा, तो हमको यहां तक नहीं छोड़ना पड़ेगा, हमको इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो पहले ही ले रहे हैं तो ये तीनों का एलसीएम जो होगा ऊपर में बचा है सी सिक्स के सी थ्री के सिक्स, ये तीनों का एलसीएम होगा के क्यूब, के क्यूब होगा गलती सबसे बड़ा ना लेंगे तो ई कटेगा तो वन, ई कटेगा तो छ है तीन है क्यूब और ये वन है तो जैसे था, क्लियर है क्या, क्या ये वाला और ये वाला कट नहीं जाएगा अब, तो व्हाट यू हैव गॉट सी क्यूब डब्बा के अंदर में वन प्लस प्लस, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ LHS, दिस इज द वैल्यू ऑफ LHS, अब RHS लिख दे, RHS आ गया, RHS ए क्यूब बी क्यूब सही है ना, तो ए का वैल्यू क्या होगा सी के स्क्वायर, सी के का डी का वैल्यू प्लस सी एज इट इज, कितना होगा सी तीन के छ सी तीन के तीन, ये तीनों से सी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो ये बचा के सिक्स सी थ्री के सिक्स सॉरी सी थ्री के सिक्स के थ्री बुलाया। हाँ। तो अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए हैं ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक के लिए, क्लियर है ना। हाँ। तो वो वाला जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे सब लोग सीखने के लिए कर रहे हैं, अभी तक जो क्वेश्चन इस एग्जाम में आता है वो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है, आने का देख कोई भी आ जाएगा लेकिन जो किए हैं तीन मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है जो आ रहा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है। उसके बाद साफ समझ में आ रहा है मेरे को इसको प्रूफ करना है, ले मेरा भाई ए का वैल्यू सी के स्क्वायर, चलो खुद से करेगा यार देखो, चलो लिखना चालू करो जल्दी जल्दी मत लिखो कोई, देखो इधर ए का वैल्यू था सी के स्क्वायर बी का वैल्यू था सी के और सी खुद सी है, फिर ए का वैल्यू है सी के बी का वैल्यू है सी के और सी इज एज इट इज का होल क्यूब बाय ए बी, ए का वैल्यू है सी के स्क्वायर और बी का वैल्यू है सी के प्लस बी, बी का वैल्यू है सी के और सी खुद सी जैसे रहने दिए और ए का वैल्यू सी के स्क्वायर, पूरा का माथा पे दिमाग लगा के देख और ध्यान से क्या यहाँ पे सी 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 तीन बार मिलके सी क्यूब होगा, के दो बार और एक बार मिलके
देख यहीं पे गलती होगा, सी तीनों में कॉमन है, कॉमन लेगा तो सी कॉमन आएगा कि सी क्यूब बाहर आएगा, सी क्यूब हम बाहर कर लिए तो अंदर में देख बचेगा क्या, ध्यान से देखना, इधर पे बचेगा के स्क्वायर, इधर से बचेगा के, लिख दिए सही है। अब नेक्स्ट पार्ट ध्यान से देखना, कुछ नहीं बचेगा, बचेगा कैसे, वन आएगा तो बचेगा कैसे, देख यहाँ पे C और C दो बार है तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर के क्यूब, रुक जाओ आ रहे, सी स्क्वायर के क्यूब सही है, यहाँ पे C और C मिलके सी स्क्वायर साथ में, और यहाँ पे C और C दो बार मिलके और साथ में पूरा का माथा पे, ले मेरा भाई। अब तू ध्यान से खुद ही से देख जो लिखा हुआ है ऊपर में और नीचे में, ऊपर और नीचे में, ऊपर वाला तो जैसे है छोड़ दे रहे, नीचे वाला जो लिखा है इसको, क्या इन तीनों में सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन है, सी स्क्वायर कॉमन है, के स्क्वायर है, के है, के स्क्वायर है, क्या कॉमन है, के, तो इन तीनों में क्या कॉमन है, सी स्क्वायर के, क्या है, सी स्क्वायर, लेकिन उसका माथा पे क्यूब चढ़ेगा, सी स्क्वायर के इतना कॉमन है, और अंदर तब क्या बचेगा, यहां से के स्क्वायर, यहां से के, चल के तो कॉमन ले लिया वन हो जाएगा ना, सी स्क्वायर के कॉमन लिया तो यहाँ के स्क्वायर, यहाँ ओनली, और ये पूरा का माथा में सही लिखे, अभी क्लियर हुआ, तो ये दोनों मिलके सी सिक्स साथ में के स्क्वायर प्लस के प्लस पूरा का माथा में, ये देखिए इस पे क्यूब लेगा सी सिक्स, इस पे क्यूब लेगा, अच्छा यहाँ पे क्यूब है ना हम छोड़ दिए, अच्छा सी स्क्वायर दिस के क्यूब, हाँ सही है, सी सिक्स के क्यूब एंड इसका पूरा पे, देखो अब जो तुम लिखा है देख लो कहाँ गलती किया, खुद अपना खोज लो, और अगर सही किया तो देख 100% ऐसे ही बनेगा, ध्यान से देख डेटा को कॉमन ले रहा है, ध्यान से देख, हो गया, जिसका नहीं बना हम लोग सिंप्लीफाई करो, जल्दी से लिख लो, जो करना है करो, जल्दी से करो।